अगर कोई खाना बनाने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से वाला रहा है, अगर उसके मन में क्रोध है, अगर उसके मन में ईर्ष्या है, अगर उसके मन में लालच है या कोई और ऐसी नेगेटिव फीलिंग है, जिस नेगेटिव फीलिंग के साथ उसने खाना बनाया तो वही नेगेटिव फीलिंग आपके खाने में आ जाती है और आपके अंदर भी वैसे ही भाव पैदा होने शुरू हो जाते हैं। नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारे ये वीडियो इस टॉपिक पर है कि अगर आप खाने की जो बनाने वाला होता है, खाने बनाने वाले की मन की अवस्था का खाने पर क्या प्रभाव पड़ता है और उससे सामने वाले के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस टॉपिक पर हम थोड़ी बात करेंगे। इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ मौजूद हैं कि खाना जिस इंटेंशन से बनाया हुआ हो, वो इंटेंशन जो है वो खाने में जाकर स्टोर हो जाते हैं और वही इंटेंशन हमारे भीतर भी अब्सॉर्ब होते हैं। अगर कोई खाना बनाने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से वाला रहा है, अगर उसके मन में क्रोध है, अगर उसके मन में ईर्ष्या है, अगर उसके मन में लालच है या कोई और ऐसी नेगेटिव फीलिंग है, जिस नेगेटिव फीलिंग के साथ उसने खाना बनाया तो वही नेगेटिव फीलिंग आपके खाने में आ जाती है और आपके अंदर भी वैसे ही भाव पैदा होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अब लोग घर का बना हुआ खाना इसलिए खाना चाहिए, एक मेजर कारण ये भी है क्योंकि घर में अगर बना है तो घर वालों के अगर विचार पॉजिटिव हैं तो बड़ी शुद्धता से और प्योरिटी से और प्रेम से और भाव से बनाया हुआ होगा। उन्होंने जो खाना बनाया होगा उसमें प्रेम होगा, उसमें आपके प्रति सेवा का भाव होगा। माँ ने बनाया है, पत्नी ने बनाया है, बहन ने बनाया है, कहीं से भी अगर खाना किसी ने बनाया है तो अपने लिए खुद बनाया है आपने या घर के किसी प्यारे ने बनाया है, तो उनकी पॉजिटिविटी उसमें शामिल होती है। जबकि ये हमने पाया है कि होटल का बना हुआ खाना जो होता है वो उसमें, क्योंकि वो केवल प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकूं, उनके दिमाग में केवल एक ही बात होती है, पैसा ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाया जाए, कितना पैसा बचेगा ये करने से। और पैसा क्योंकि प्राइमरी वो होता है, इसलिए उसको खाने से सामने वाले के मन में भी वैसी ही फीलिंग आएगी। क्योंकि अब ज्यादा लोग जो है, बच्चे जो है वो वैसा, हम लोग सभी लोग वो खाना खाने लगे हैं, ज्यादा होटल से मंगवा कर खाने लगे हैं, तो रेस्टोरेंट से खाना मंगाने लगे हैं, तो ये जो खाना है इसके कारण ही हमारी बुद्धि भी मनी माइंडेड होने लगी है। हमने एक बार हम मुंबई में किसी जगह पर सेमिनार करने गए थे, वहां पर खाना सामने आया। मेरी आदत है शुरू से खाने के सामने आकर हाथ जोड़ना, प्रार्थना करना, भोजन को अन्नम ब्रह्म कह के कि आप ब्रह्म हैं, परमात्मा का रूप है, आपको नमन है, ऐसा करके खाने को प्योरीफाई करना और अपने गुरुदेव के नाम का, उनके जो दिव्य नाम उन्होंने हमें दिया हुआ है उसको उच्चारण करके उसको प्योरीफाई करना। और ऐसा करके हमने प्योरीफाई करने लगे तो मैंने उसकी एनर्जी को फील करके देखा, उसकी एनर्जी मुझे बहुत नेगेटिव फील हुई, कुछ तो गड़बड़ है। अब वही खाना हम बाकी सेमिनार के सारे लोग भी खा रहे हैं, लेकिन जब हमने शुरू किया तो हमें बहुत दिक्कत हुई, हमने लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है। हमें जो फीलिंग आई कि ये जो खाना बनाने वाला है, क्योंकि जैसे हमने थोड़ा सा कॉन्टेक्ट करके देखा उसकी एनर्जी से, तो पता लगा उसके मन में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो बंदा बहुत परेशान है किसी वजह से, जिस जो खाना बना रहा है वो बहुत दुखी है। तो हमने होटल के मैनेजर से पूछा, क्योंकि सेमिनार कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों का मैनेजमेंट चल रहा था, तो हमने वो हमारे संपर्क में था वहाँ का मैनेजर, तो उसने पूछा कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने कहा कि नहीं, दिक्कत बहुत बड़ी है, ये जो खाना बना रहा है हमें इसके वेटर से मिलाओ, इसके जो शेफ है जिस जो खाना बना रहा है, प्लीज़ उससे मिलवाओ। उन्होंने मिलवाया, हमने उस बंदे से बात करी, पहले तो माने ना, फिर हमने माना, पता लगा कि उस बंदे के घर में कोई मिसहैपनिंग हो गई है। ये होटल वाला सीजन चल रहा है वहाँ पर मुंबई में, उस समय में बाहर के लोग आते हैं, सर्दियों के दिन थे तो बहुत लोग बाहर से आते हैं, तो उन दिनों में वहाँ पर मतलब भीड़ होती है तो होटल सारे ऑक्यूपाई होते हैं, तो वो छुट्टी नहीं दे सकते अपने एम्प्लॉइज़ को, तो वो छुट्टी नहीं दे रहा था और उसको मन में, उसके कारण से जो मन में वो बढ़ा रहा था और नेगेटिविटी थी, वो सारी नेगेटिविटी खाने में हमें फील हो रही थी। तो फिर हमने उनको कहा कि प्लीज़ आप इसको छुट्टी करो, इसके मन से नेगेटिविटी खत्म हो और ये अपना काम नॉर्मली कर पाए। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि वो नेगेटिविटी अगर कोई सेंसिटिव पर्सन है तो फील भी कर सकता है, वो दुख, वो पीड़ा जो है जो किसी और के मन में थी और वो कन्वे हुई, वो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी फीलिंग थी वो खाने में कन्वे हुई, तो इसलिए उस खाने के अंदर वो गुण आ जाते हैं। प्लीज़ आप इस बारे में बहुत केयरफुल रहिए। तो एक बार तो प्रार्थना बहुत जरूरी है खाने के समय करना। ये खाना बनाने वाले को मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जिसने खेत में अन्न पैदा किया, जिसने सप्लाई किया उसको, जितने स्टोरेज करी या जो भी किया, उन सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, नेचर का शुक्रिया करता हूँ, अपने आप का शुक्रिया करता हूँ, जिसने सर्व किया उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं खाने को स्वीकार करता हूँ, धन्यवाद। ऐसा करके हम खाने के आगे नमन करते हैं, उसकी पॉजिटिविटी अपने भीतर आती है, उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि हमारा माइंड समय हमेशा शुद्ध रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि मेडिटेटिव लोगों को, मेडिटेटिव लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए और इस बारे में अपना ख्याल रखना चाहिए, खाने में पॉजिटिविटी रहे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपको जरूर इनसाइट दी होगी आपको समझने में इस चीज़ को, और आप इसको जरूर अप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू।